नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड ग्रुपिंग. नाउ व्हाट इज ब्लड ग्रुपिंग? ब्लड ग्रुपिंग इज द टेक्निक इन विच देयर इज द डिटेक्शन ऑफ द ब्लड ग्रुप्स. अब तो हमने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट ग्रुप्स है. डिफरेंट लैंडस्टीनर ने डिफरेंट ग्रुप्स को स्टेट किया हुआ है, डिमोनस्ट्रेट किया हुआ है कि हमारे पास कितने ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एंटीजन, अकॉर्डिंग टू देयर एंटीबॉडीज, एंटीजन ऑन द आरबीसीज एंड एंटीजन ऑन द प्लाज्मा. नाउ द टेक्निक थ्रू विच वी डिटेक्ट द ग्रुप through which we detect the group of a person, blood group of a person, that technique is known as blood grouping. तो इसमें हम क्या करते हैं, we detect the blood group which is to be done on the basis of antigen antibody reaction. तो clamping अगर होती है, clamping occurs when an antigen is to be mixed with the concerned antibody, then we can go through the technique which is known as blood grouping. इसी technique के through हम blood grouping का देख सकते हैं कि किस पर्सन में किस किस्म का ब्लड है, कौन सा ग्रुप है ब्लड का जो कि एक इंसान में प्रेजेंट है. अब अगर हम बात करेंगे, वी टुक ए थ्री सॉल्यूशंस, तीन सॉल्यूशंस लिए जाते हैं विच आर टू बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्लड. लैब टेस्ट होता है, इट इज़ अ टेस्ट वी कैन से. हम लेबॉरेटरी में ये टेक्निक कर सकते हैं, प्रोसीजर कर सकते हैं. इसमें हम दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशंस लेते हैं जिनको कि हमने ग्रुप्स दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं. वन वी कैन से एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी एंड एंटी सीरम डी. दीज आर द थ्री सॉल्यूशंस विच आर टू बी यूज्ड फॉर द प्रोसीजर. एंटीसीरम ए कंटेन्स एंटी ए बॉडीज, एंटीसीरम ए कंटेन्स एंटी ए बॉडीज, एंटीसीरम बी कंटेन्स एंटीसीरम बी बॉडीज एंड एंटीसीरम डी कंटेन्स एंटीसीरम डी बॉडीज. दैट मीन्स हमारे पास एंटीसीरम अगर प्रेजेंट है उसमें एंटी ए बॉडीज है, अगर एंटीसीरम बी प्रेजेंट है उसमें बी एंटीबॉडीज है. अब अगर एंटीसीरम डी की बात करें उसमें एंटी डी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग ऑफ अ पर्सन थ्री ड्रॉप्स ऑफ दिस ब्लड आर टू बी टेकन एट डिफरेंट स्पॉट्स ऑन द स्लाइड. तीन ड्रॉप्स लिए जाते हैं, तीन कतरे हम ब्लड के लेते हैं और तीन स्लाइड्स पे डालते हैं, वन ड्रॉप सेकेंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप. फिर मेथड क्या होता है हमारे पास, आफ्टर दैट वी पुट ए एंटीसीरम ए ऑन स्पॉट वन, एंटीसीरम बी ऑन स्पॉट टू, एंटीसीरम डी ऑन स्पॉट थ्री. अब हमने तीनों स्लाइड्स पे पहले ब्लड डाला हुआ है, उसके बाद ब्लड का थोड़ा सा ड्रॉप डाला है, उसके बाद हम एंटीसीरम ए से एक कतरा एक स्पॉट में डालते हैं, दूसरे में दूसरा एंटीसीरम बी दूसरे स्पॉट पे डालते हैं और एंटीसीरम डी तीसरे स्पॉट पे डालते हैं. वी विल सी द रिएक्शन. द स्लाइड इज़ टू बी रॉक्ड फॉर 2 मिनट. स्लाइड को थोड़ा सा हिलाया जाता है थोड़ी देर के लिए ताकि जो ये मिक्स हो जाए, ताकि जो ये ब्लड है ये सीरम के साथ मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाए. उसके बाद इस पे देखा जाता है फॉर सम टाइम. देयर विल बी क्लैम्पिंग, क्लैम्पिंग होगी विच डिटेक्ट द ब्लड ग्रुपिंग. तो कैसे होगी, फर्स्ट स्टेप में हमने एंटीसीरम ए यूज़ किया है, जिसमें क्या होगा, एग्जाम रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास. If there is clamping, then there are antigen A present. If there is no clamping, then the antigen A is absent. अगर first spot पर हमें ये पता चला कि clamping हो रही है, that means antigen A present है, और अगर clamping नहीं हुई, that means antigen A absent है. अब अगर हम दूसरे spot की बात करें, spot को हम examine कर रहे हैं हम, तो अगर हम उसकी बात करें, तो अगर हमने क्लैम्पिंग देखी, एग्जाम रिजल्ट में क्या आया, देयर इज़ द क्लैम्पिंग, देन देयर इज़ बी एंटीजन प्रेजेंट. इफ़ देयर इज़ नो क्लैम्पिंग, देन देयर इज़ एंटीजन बी एब्सेंट. दिस विल गिव द एग्जामिनेशन फॉर द ब्लड ग्रुपिंग. नाउ अब रहती है बात थर्ड स्पॉट की, विच इज़ द एंटीसीरम डी. एंटीसीरम डी हमने यूज़ किया हुआ है. अब अगर एग्जाम रिजल्ट देखें हम इसका, अगर क्लैम्पिंग हो गई, दैट मीन्स डी एंटीजन इज़ प्रेजेंट. अगर नॉन क्लैम्पिंग हुई, दैट मीन्स एंटीजन डी इज एब्सेंट. दिस गिव्स द बेटर एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग.